LIC का हुआ सहारा जैसा हाल, SBI डूबा, अडानी हुए कंगाल। LIC का पैसा अब किसी को नहीं मिलेगा, SBI और PNB खाता धारकों का भी पैसा डूबेगा। कुछ दिन पहले सहारा कंपनी को घाटे में जाने की वजह से सभी ग्राहकों के पैसे डूब गए थे। अब LIC कंपनी का भी वैसा ही हाल हुआ है। LIC कंपनी को भी बहुत बड़ा घाटा लगा है, जिसके चलते एशिया के नंबर वन गौतम अडानी भी अब कंगाल हो गए हैं। LIC कंपनी में गौतम अडानी को कई हजार करोड़ का घाटा हुआ है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो लोग भी LIC कंपनी में अपना पैसा जमा किए थे, सभी का पैसा डूब जाएगा। इसके साथ SBI बैंक में आपका खाता है, PNB बैंक में आपका खाता है, तो उसका भी पैसा डूब जाएगा। आखिर इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या आपका भी SBI बैंक में खाता है या नया खोलने की सोच रहे हैं? क्या आप भी LIC में पैसा जमा करते हैं या जमा करने की सोच रहे हैं? अगर आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार का भी खाता LIC, भारतीय स्टेट बैंक और PNB में है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। क्या सच में LIC कंगाल हो चुका है? क्या अब आपका पैसा नहीं मिलेगा? इस वीडियो में सभी बातों का आपको पूरी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। एक रिपोर्ट की माने तो गौतम अडानी को LIC कंपनी में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। एशिया के नंबर वन गौतम अडानी को 9 दिनों के अंदर ही 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। दरअसल 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें अडानी की कुल संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 9 दिनों के अंदर ही अडानी ग्रुप को 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। गौतम अडानी का LIC कंपनी में शेयर था, और जब अडानी ग्रुप को घाटा लगा तो LIC कंपनी का भी नुकसान हो गया, जिसके चलते लाखों लोगों का पैसा LIC कंपनी में अटका हुआ है। 2022 में गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब फिसलकर 15वें नंबर पे आ चुके हैं। गौतम अडानी का नुकसान सिर्फ LIC कंपनी में ही नहीं, बल्कि 20 अलग अलग कंपनियों में भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका खाता SBI बैंक में है तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? क्या आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? तो आपको बता दें कि SBI समेत कई बैंक ने 81,200 करोड़ का लोन गौतम अडानी को दिया था, जिसमें अडानी ग्रुप पर SBI का 21,000 करोड़ का कर्ज है। और अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 7,000 करोड़ का कर्ज है। और अगर LIC कंपनी की बात करें तो अडानी ग्रुप में लगभग 37,000 करोड़ का कर्ज दिया है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि विजय माल्या जैसा गौतम अडानी भी इंडिया छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अडानी ग्रुप को घाटा लगा है। लोगों का पैसा LIC कंपनी में अटका हुआ है, जिसका पैसा SBI बैंक में है उसको नहीं मिल रहा है, और जिसका पैसा पंजाब नेशनल बैंक में है उसको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि गौतम अडानी को विदेशी कंपनी अभी भी लोन देने के लिए तैयार है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होता ही है, कभी मुनाफा होता है तो कभी घाटे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा चाहे LIC कंपनी में हो, SBI बैंक में हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक में हो, वो डूब जाएगा। आपका पैसा भारतीय स्टेट बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, या फिर LIC में हो, इसमें आपका एक रुपया भी नहीं डूबेगा। आपको अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अडानी ग्रुप पर जो कर्ज का रिपोर्ट आया है उसकी जानकारी हिंडनबर्ग से मांगा है। और जो लोग दावा कर रहे हैं कि अडानी इस देश को छोड़कर भागने वाले हैं, तो उनकी बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। आज गौतम अडानी घाटे में गए हैं, कभी मुकेश अंबानी भी घाटे में गए थे, फिर भी एशिया के नंबर वन व्यक्ति बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत TV।